So, Hero Xtreme 200S 4V. Hello everyone out there, welcome back to my channel Machine and Me. और आज इस कंटेंट को शुरू करेंगे एक बड़ा सा क्वेश्चन को लेके, व्हाई 210cc का करिश्मा के बारे में तो आप सभी को पता है. तो क्वेश्चन ये है, हीरो क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है बायर्स ये बाइक को खरीदेगा और व्हाट्स अबाउट द कंपटीशन. सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स. डायमंड टाइप फ्रेम बेस्ड 155 kg कर्व वेट वाला स्पोर्टी एयरडायनामिक फेयरिंग्स का जो लुक है, नॉट टू एग्रेसिव बट स्टाइलिश इनफ टू ग्रैब अटेंशन, जो न्यू ड्यूअल टोन कलर के लिए और भी कैची हो रहा है. LED हेडलाइट सेम लाइक बिफोर, सेम आर दोज हैलोजन टर्निंग इंडिकेटर्स. फ्रंट अंडरपिनिंग्स का जो डिपार्टमेंट है वो सस्पेंडेड ऑन एंटी फ्रिक्शन बूस्ट वाला टेलीस्कोपिक फोर्क, 276mm पेटल डिस्क, 17-inch का ट्यूबलेस टायर. सैडली नो ड्यूअल चैनल ABS. 12.8 लीटर फ्यूल टैंक बहुत मस्कुलर है और इसका जो लुक से और भी एट्रैक्टिव लग रहा है बोल्ड जियोमेट्रिक ग्राफिक्स के लिए. और ये जो बहुत ही प्यारा टैंक पैड है इसके लिए भी वेल कुशन सीट, देखने में बहुत अच्छा है. बट ये जो हम्प है इसके लिए पिलियन में फील अनकम्फर्टेबल समटाइम. मस्कुलर रियर ट्रैवल, स्प्लिट ग्रैब रेल और बहुत ही एट्रैक्टिव सिग्नेचर LED टेल लाइट रिमेन अनचेंज्ड. रियर में मोनोशॉक, 220mm पेटल डिस्क और 17-inch का ट्यूबलेस टायर. और हाउ कैन आई फॉरगेट दिस न्यू स्टाइलिश रियर हगर. द बिगेस्ट चेंज यू कैन फाइंड हियर, 199.6cc ऑयल कूल्ड इंजन नाउ कम्स विथ 4 वाल्व which produce 8.9 bhp instead of 17.8 bhp of 2V engine or 17.35 Nm torque, जो पहले वाला 2V engine से लगभग 1 Nm ज़्यादा है. 165mm ground clearance जो एक जैसा ही है, पर जो एक नहीं है वो है इसका हैंडलबार. पहले आपको यहाँ पे सिंगल यूनिट वाला हैंडलबार मिलता था, अभी उसके बदले में ये बटरफ्लाई हैंडल बार मिलेगा, मतलब राइडिंग पोस्चर इज गोइंग टू बी मोर स्पोर्टी. तो ये जो नया वाला जो हैंडल बार है, मतलब बटरफ्लाई जो हैंडल बार, इसके वजह से जो हो रहा है आपका जो राइडिंग पोस्चर है थोड़ा सा स्पोर्टी साइड में सेट हो रहा है. फ्रंट में थोड़ा सा आपको लीन करना पड़ रहा है पर वो उतना भी ज़्यादा नहीं है. उसके साथ इसका फुट पेग का पोजिशन जो है थोड़ा सा रेयर की ओर सेट है. कुल मिला के देखा जाए तो एक स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर है पर ये एकदम ही अनकंफर्टेबल नहीं है. सेम फुल डिजिटल LCD मीटर विद गियर इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर एंड ट्रिप मीटर. और स्मार्टफोन कनेक्ट भी आप यहाँ से कर सकते हो. टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसा फीचर्स भी आपको यहाँ से मिलेगा. नाउ टाइम फॉर क्रैंक द इंजन. तो भाई पेपर वाले बात तो बहुत हो गए, अभी इस बाइक को भगा के देखते हैं. जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये एक्चुअल रोड कंडीशन में ये बाइक मुझे पर्सनली कैसा फील कराता है. देखिए एज अ यूट्यूब ब्लॉगर मेरा एक ही टारगेट होता है, बहुत अच्छा सुंदर रास्ते के ऊपर गाड़ी को भगाना नहीं है. जो रेगुलर जो प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है, ट्रैफिक बोलिए, खराब से खराब रास्ता को हैंडल करना बोलिए, इस सभी जगह पे एक बाइक जिसे आप लेने वाले हो वो कैसा परफॉर्म करता है, तभी जाके इसका ट्रू पोटेंशियलिटी खुद समझ पाऊंगा और आप लोगों को बोल भी सकूंगा. इसी एक बात से मैं इस कंटेंट को करता हूं. तो इनिशियली जो मुझे फील हो रहा है वो है रिफाइनमेंट. वैसे तो इस गाड़ी का रिफाइनमेंट पहले भी बहुत अच्छा था, पर अभी 4V होने से इसका रिफाइनमेंट लेवल में थोड़ा सा चेंज तो आया है. पर 4V होने से जो मेन फायदा है, टॉप एंड परफॉर्मेंस में जाके ये बाइक कैसा फील करता है, कैसा ये रिएक्ट करता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है. पर एज यू नो मेरे जो होम टाउन है वर्धमान, चारे और यहाँ पे रास्ता का काम चल रहा है, तो टॉप एंड तक इस बाइक को पुश करना पॉसिबल नहीं है रोड कंडीशन के वजह से. इट्स नॉट सेफ आउट हियर. सो उसको छोड़ के मैं बाकी चीज़ों के बारे में समझने का कोशिश करता हूँ. जैसे कि ओके सो
प्यारा आइको ओके ओके ठीक है। अरे यार सो सच बोले तो वैसे भी कोई वाइब्रेशन आप फील नहीं करोगे। टॉप एंड में जाके टैंक ग्रिप के पास आप थोड़ा सा वाइब्रेशन बाजीनेस फील करोगे, पर वो भी नेग्लिजेबल है, एकदम नेग्लिजेबल है। मतलब रिफाइन में तो फर्क आया है बॉस। और इनिशियली जो इसका पुल है, हाँ, बाकी कंप्यूटर से अगर कंपेयर करोगे तो कम है, क्योंकि इसका जो पावर है, इसका जो टॉर्क है, वो NS200 बोलो या Apache 204V बोलो, तो उससे थोड़ा सा तो आपको कम फील होगा, पर वैसे भी इतना भी नहीं है वो, ठीक है। मतलब इसका जो पावर है, सबसे मुझे पर्सनली बोलो तो सबसे अच्छा मुझे यही लगता है, इसका जो पावर है ये बहुत यूजेबल है, ट्रैक्टेबल भी बहुत है। आपको पता होगा आप कितना एक्सेलरेट दे रहे हो, ये बाइक कैसा बिहेव करेगा, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक चीज़ है। और ये देखिए, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, तो अभी यहाँ पे इसका सस्पेंशन का भी टेस्ट हो जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है शायद। ओके, फ्रंट ऑन अ सॉफ्टर साइड, रियर ऑन अ बीट स्टीपर साइड। ज़्यादा स्टीप नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, पर फ्रंट से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा स्टीप आप फील करोगे। अरे भाई, तो उससे होता क्या है, टॉप एंड में जब इस बाइक को भगाओगे आप बहुत अच्छा एक कंपोज राइड पाओगे, कूलनेस आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा, रियर स्टेबल रहेगा, पर जब गड्ढे के ऊपर से या स्पीड ब्रेकर के ऊपर से अब इस बाइक को लेके गुजरोगे जैसे कि ऐसा, तब आपको स्पीड को कम करना पड़ेगा, नहीं तो रियर वाला सस्पेंशन से आप थोड़ा सा झटका खाओगे। तो ये था सस्पेंशन के बारे में बातें। तो अभी इस ट्रैफिक को जब मैं हैंडल कर रहा था, तब एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ, जो है इसका हैंडलिंग, ये बहुत अच्छा एक हैंडलिंग है इस बाइक का। आप जितने भी गंदे से गंदे ट्रैफिक के बीच में इस बाइक को लेके घुसोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके पाम के ऊपर, शोल्डर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। वैसे तो इसका राइडिंग पोस्चर थोड़ा सा चेंज हो चुका है पहले से, पर ये उतना भी अनकंफर्टेबल नहीं है। अब इसको लेके लॉन्ग राइड कर सकते हो, बहुत देर तक इस बाइक को भगा सकते हो, आपको प्रॉब्लम फील नहीं होगा। इसका क्लच जो है वो भी बहुत लाइट है, आप देख सकते हो क्लच लीवर के बाद। इतना टाइम में अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, फॉल्स गियर अभी तक मुझे महसूस नहीं हुआ है, नौची नहीं फील कर रहा है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब रिफाइनमेंट लेवल भी बढ़ चुका है, इंजन का जो पावर है वो बहुत यूजेबल है, हैंडलिंग भी कमाल का है इस बाइक का। और बात करते हैं अभी ब्रेक के बारे में, तो उसके लिए आई नीड टू ओके इन फ्रंट, गुड मैन, द बाइट इज रियली रियली वेरी गुड। तो अभी और स्पीड को बढ़ाएंगे हम। ओके, अभी रियर का बारी है, बूथ ब्रेक्स आर वर्क इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, बहुत अच्छा बाइट है इन दोनों का, आपको सफिशियंट कॉन्फिडेंस दे देगा। सिटी ट्रैफिक के बीच में हो या हाईवे में क्रूज कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये जो ब्रेक है आपका कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देगा। और इसका सीट भी सही है, बहुत अच्छा कंफर्ट ये सीट भी प्रोवाइड कर रहा है। और मुझे जो पर्सनली अच्छा लग रहा है, इसका हैंडलिंग था क्या गजब का है, बहुत लाइट फील करता है, टॉप हैवी नहीं लगता है ये। और एक जो चीज़ जिसके बारे में बोलना तो भूल ही गया था, व्हाट इज़ द माइलेज ऑफ दिस बाइक। सो इस बाइक से आपको ऑन एंड अराउंड 40 से लेकर 45 का जो रेंज है वो आपको मिलने वाला है। पर वही बात, एक बाइक से आप कितना माइलेज पाओगे वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपके खुद के ऊपर, आप कैसे बाइक को भगाते हो, कौन से रास्ते पे भगाते हो, टायर प्रेशर वगैरह वगैरह, इस सारे चीज़ों के ऊपर, सो इट्स डिपेंड कम्प्लीटली ऑन यू। तो फिर भी ऑन एन एवरेज मैं बोल सकता हूँ 40 से लेकर 45 किलोमीटर का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बाइक से। तो अभी मैं फोर्थ गियर में हूँ, तो स्पीड को मैं कम होने दूंगा, फिर देखूंगा लोअर रेव रेंज में ये कैसा परफॉर्म करता है विथ हाई गियर। ओके ओके ओके, 90-20 तक ये पहुंच चुका था, उसके बाद थोड़ा सा मुझे क्लच को प्रेस करना पड़ा, उसके बाद ये सही से बिहेव कर रहा है, मतलब सही है,
200 सीसी का इंजन है, अगर फोर्थ गियर में 2021 तक ये क्रूज कर जाता है स्मूथली तो अच्छा ही है। तो अभी जाते हैं वापस उस जगह पे जहाँ से इस कंटेंट को शुरू किए थे। फुल फेयर स्टाइल विथ अफोर्डेबिलिटी, अगर ये आपके प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में आता है देन इट इज़ वेटिंग फॉर यू। अगर देखा जाए स्टाइलिश है ये, बहुत अच्छा हैंडलिंग भी है इसका, कंफर्ट ये बहुत अच्छा देता है और प्रीटी डिसेंट इसका इंजन परफॉर्मेंस है, यूजफुल एंड ट्रैक्टेबल पावर डिलीवरी, ये सब कुछ को जिस प्राइस रेंज में ये आपको ऑफर कर रहा है वो मेरे ख्याल से अनबीटेबल है। अगर देखा जाए इसका नज़दीकी कंपटीटर बजाज का RS 200, तो उससे इसका एक शोरूम प्राइस मेरे शहर बर्धमान में 33,000 रुपीज़ कम है। सेम जो आपका भी 210 cc करिश्मा है उसके ऊपर भी ये लागू होता है। तो मेरे ख्याल से डू यू नीड एनी मोर रीजन्स फॉर दैट क्वेश्चन व्हाई, आई डोंट थिंक सो।